का जो निचोड़ है वह है शुद्ध मन उत्पन्न करना है और शुद्ध मन की उत्पत्ति बाइबिल का उद्देश्य है यशु को ग्रहण करने से हम अपने आत्मा को लहू से धोकर के शुद्ध साफ कर लेते हैं परंतु मन को धोने की जो लंबी प्रक्रिया है उस घटना में हमारे लिए सबसे आवश्यक बात है आज्ञा द कमांडमेंट्स द मेक्स द डिसिप्लिन द ह्यूम लाइफ इसलिए जो नीति का वचन है सुलेमान ने लिखा वह कही कहीं ना कहीं मनुष्य के मन को अनुशासित करता है और वही बातें प्रभु यशु मसीह ने डिवेलप की और यहां पर बाइबिल का वचन हमें बताता है आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन हाँ अच्छे विवेक इसका मतलब है मन की शुद्धता और अच्छा विवेक यह आज्ञा का सारांश है एंड देन फिर बाइबिल कहती है कि कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न होता है कपट रहित विश्वास से तो विश्वास में भी कपट हो सकता है क्या ये <laughs> बड़ी अजीब और गरीब बात है हाँ विश्वास तो सब करते हैं कई बार हम सोचते हैं कि हम तो विश्वास करते हैं ये शुमारा गया गाढ़ा गया जी उठा परंतु विश्वास का आधार क्या है विश्वास आता है सुनने से और सुनना मसीह के वचन से द फेथ कम्स बाई हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड और जितने वचन को आपने सुना है जितने वचन को आपने याद किया है और जितने वचन को आपने अपने लिए स्वीकार किया है केवल कि उसी वचन पर विश्वास जागृत होगा जिस वचन को आपने रिजेक्ट कर दिया है वह वचन आपके लिए विश्वास पैदा करने का आधार नहीं बन सकता है इसलिए विश्वास को केवल एक तरफा न समझें यह कह कहकर के कि हम तो यशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं जी हम तो विश्वास करते हैं जी नहीं वो तो ईशु को ग्रहण करना वो तो उद्धार के वचन को स्वीकार करना है और उद्धार के लिए विश्वास आपने किया है मन के अनुशासन के लिए तो नहीं किया भाई पाप क्षमा के लिए आपने मारा गया गाड़ा गया जी उठे पर विश्वास किया है पर बाइबिल क्या बोलती है कि आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन नंबर वन अच्छा विवेक नंबर टू कपट रहित विश्वास नंबर तीन क्या हमने शुद्ध मन के लिए शुद्ध करने वाले वचन को जो बाइबिल में आज्ञा के रूप में पाई जाती है उन आज्ञाओं के ऊपर विश्वास किया क्या तो जितने पद हैं उतने रकम के विश्वास हैं जितनी आज्ञाएं हैं उतनी आज्ञाओं उतनी की हिसाब से विश्वास है मैं विश्वास करता हूं दान देने पर तो मेरे अंदर जो विश्वास पैदा होगा वह दान देने से जुड़ा हुआ होगा मैं विश्वास करता हूं दान लेने पर तो मेरा विश्वास दान लेने वाले वचन पर विश्वास है तो मैं केवल लेने पर विश्वास करूंगा देने पर नहीं करूंगा इसलिए बाइबिल के जितने वचन हमारे जीवन में मन को अनुशासित करते हैं उनमें से जितने वचनों को आप अपने लिए स्वीकार कर लेते हैं केवल उन्हीं वचनों पर आपका विश्वास जागेगा बाकी दूसरी बातों पर जिसको आपने अपने लिए नहीं लिया वो, उन उन बातों पर हमारे लिए विश्वास नहीं जागेगा अच्छे से याद रखना मैं विश्वास करता हूं रविवार की आराधना पर तो आप रविवार के दिन आएंगे मैं विश्वास नहीं करता शुक्रवार की प्रार्थना पर तो आप शुक्रवार को नहीं आएंगे क्योंकि विश्वास जो है पतरस को पानी पर चलाता है आपकी आस्था रविवार पर है इसलिए आप रविवार के दिन आते हैं और किसी दूसरे दिन बुलाएं तो हमारे पास फुर्सत नहीं हम नहीं जाते परंतु रविवार के दिन में आपके मन में यह धारणा होती है कि नहीं पवित्र दिन है मैं तो पवित्र दिन पर विश्वास करता हूं मैं शनिवार पर विश्वास नहीं करता मैं शुक्रवार पर विश्वास नहीं करता समझ रहे हैं वेरियस काइंड ऑफ फेथ अनेक प्रकार के विश्वास है। बाइबिल के जिस वचन पर विश्वास कर लिया वह वाला वचन आपके विश्वास में आ गया जिस बाइबिल जिस वचन को तुमने अपने लिए स्वीकार नहीं किया वो वाला वचन आपके विश्वास में नहीं आया तो हम क्या करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार अपनी आवश्यकता के अनुसार बाइबिल के किसी किसी विशेष विशेष वचन को जो हमको अच्छा लगता है उसको हम अपने विश्वास में ले आते हैं और उस पर रुचि रखते हैं और उसी के लिए प्रार्थना करते हैं और उसी के आधार पर जीवन चलाते हैं परंतु कई ऐसे और भी वचन हैं जो हमारे मन को अनुशासित करते हैं उन पर हम सोच नहीं लगाते नहीं बोले वो हमको वो नहीं पड़ता हमको तो आपको क्या लगता है आपके विश्वास में शुद्धता है या कपट है कपट का मतलब क्या होता है कपट का मतलब होता है अंदर कुछ और बाहर कुछ हम अपने हिसाब से बाइबिल का अनुवाद करते हैं आज भविष्यवाणी का दिन है आज परमेश्वर एक ऐसे दर्शन की बातें बाइबिल में से प्रमाणित करना चाहते हैं जिसको आज की तारीख में जिसने कान नहीं लगाया 2022 में यदि कोई खतरा आपके ऊपर आता है तो जवाबदारी आपकी है इसलिए आज का संदेश एक भविष्य है इट्स अ डायरेक्ट वॉइस फ्रॉम गॉड इफ यू आर नॉट रेडी टू काउंसिल टू एक्सेप्ट द काउंसिल ऑफ गॉड देन वी आर द रिस्पॉन्सिबल टू पे दास्ट इसलिए आज का दिन बड़ी गंभीरता का दिन है ना तो बुद्धि से न बल से न ज्ञान से वरण पवित्र आत्मा के द्वारा आज प्रभु कुछ विशेष सलाह हमको दिया चाहते हैं जिसको मानने वाला अपने जीवन में धन्य हो सकता है सो so यहाँ पर बाइबिल हमें बताती है कपट कपट का मतलब होता है हम अंदर से तो कुछ और ही बात रखते हैं और बाहर कुछ और ही दिखाते हैं ओ ब्रदर आई लव यू ब्रदर ब्रदर आई लव यू हम बहुत अच्छा बोलते हैं परंतु तो बाद में क्या कहते है? अरे डामर आदमी चिपक जाता तो निकलता नहीं पेट्रोल से हम सामने उसको भलाई की बातें कहते हैं और उस व्यक्ति व्यक्ति, व्यक्ति वस्तु स्थिति के लिए अपने मन में कुछ और ही प्रकार का विचार रखते हैं इस कॉल्ड इसी तरीके से जैसे हम व्यक्ति और वस्तु और स्थिति के ऊपर कुछ बाहर और कुछ अंदर वाला सोच रखते हैं उसी तरीके से बाइबिल की कुछ बातों को हम स्वीकार करके विश्वास में ले आते हैं और कुछ बातों को बाइबिल के अंदर अपने जीवन के लिए नहीं मानकर प्रेरितों के लिए छोड़ देते हैं और इस प्रकार हम अपने विश्वास में कपट जन्म देने का कारण बन बन जाते हैं बाइबिल हमें बताती है कपट रहित विश्वास इसलिए प्रभु यशु पिता परमेश्वर ने जब मूसा को छुटकारे की पद्धति सिखाई तो उन्होंने कहा था गोधुली के समय मेमना बलिदान करना और जब मेमना बलिदान कर चुको तब उसको सिर पैर अतड़ियों समेत आग में भूंज भूंज करके खाना और सुबह तक खाना बिहान तक खाना और यदि बच जाए तो उसको आग में जला देना उसको वेस्ट ऐसे ही नहीं छोड़ देना जब कभी आप मीट लेने जाते हैं तो सिर और पैर और अतड़िया मीट के हिस्से में नहीं आते परंतु जो मेमना यीशु मसीह है उस यीशु मसीह के मेमने में से कोई भी चीज़ नहीं है जिसको स्वीकार किया जाए और कुछ को इनकार किया जाए मेमना सिर पैर अतड़ियों समेत आग में भूंज करके खाना है ये वचन मसीह के लिए लागू होता है बाइबिल की जो बातें हैं उसमें से जो आपको अच्छी लगती है उसे याद करके उस पर विश्वास करके उस बाबत प्रार्थना किया जाए और जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं उसको बाईपास करके अलग कर दिया जाए तो ये ये हमारे लिए कपट रहित कपट सहित विश्वास हो जाता है हम कुछ बातों को मानते हैं और कुछ बातों को नहीं मानते हैं जबकि मेमने का सिर पैर अतरियों समेत है, उसे हमें खाना है उसमें से कोई भी वर्जित ना हो अच्छे से याद रखिएगा कई लोग अपने तौर तरीके से बाइबिल का अनुवाद करते हैं जी हाँ यहां पर बाइबिल का परमेश्वर कहता है कपट रहित विश्वास ये आज्ञा का सारांश शुद्ध मन का शुद्धिकरण इसका अर्थ है अच्छा विवेक और कपट रहित विश्वास ये तीन चीजें जिसके अंदर पैदा होती हैं वही प्रेम कर सकता है